हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। और आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है एमए का फोर्थ पेपर, जो कि हिस्ट्री ऑफ मराठा है 1620 से 1818 ईस्वी तक के काल के मध्य का इसमें इतिहास आ जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और अगर किसी तरह का मिस्टेक होता है तो ध्यान रखिए कि उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करिए, क्योंकि वीडियो वापस अपलोड नहीं होगा और पूरी सावधानी रखी गई है इसके क्वेश्चन के आंसर तैयार करने में। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बने? तो पेशवा बने हैं, वन मिनट, इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशवा ने हिंदू पद बादशाही की उपाधि धारण की? तो हिंदू पदशाही बादशाह की उपाधि धारण की है, इसमें हमारा उत्तर बनेगा हिंदू पदशाही बादशाह की उपाधि धारण करने वाले हो जाएंगे बाजीराव प्रथम, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पेशवा ने जंजीरा के सिसोदियों के विरुद्ध लंबा अभियान चलाया? तो ये अभियान चलाने वाले हो जाएंगे बाजीराव प्रथम, ऑप्शन वन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा पीडीएफ ब्लैक कलर का निकला है, लेकिन मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन छीना? सालसेट और बेसिन को छीना है, ये भी हो जाएंगे बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध हुआ है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य 27 मार्च 1728 में। किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गए? तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा वो हो जाएगा बेसिन की संधि से, जो कि 1802 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसे हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, किसे हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? और उसके साथ एक और भी क्वेश्चन बनता है, या किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो दोनों ही उत्तर कॉमन आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा बाजीराव प्रथम। हिंदू शक्ति का अवतार कहें या लड़ाकू पेशवा कहें, तो उत्तर होगा हमारा बाजीराव प्रथम। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है वो हो जाएगा 1761 में। अफगान शाह अब्दाली और सदाशिव भाव पेशवा के मध्य। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की ओर से लड़ने वाला मुसलमान कौन था? तो ये मुसलमान हो जाएगा इब्राहिम गर्दी, ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा को पराजित किया? तो मराठों को पराजित करने वाला, उसमें ऑप्शन अफगान दिया गया है, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट होगा, अमर शाह अब्दाली अफगान। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था? तो प्रथम जो मराठा सरदार था वो हो जाएगा
पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगोली की संधि से किस पेशवा का संबंध है? तो संगोली की संधि से जिसका संबंध है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बालाजी बाजीराव, और यह संधि हुई है, संगोली की जो संधि है वो हुई है हैदराबाद के निजाम के साथ सन 1752 में। भोसले कहाँ के शासक थे? तो भोसले नागपुर के शासक थे। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक जो नाम है नाना फडणवीस का वो हो जाएगा बालाजी जनार्दन भाव। नेक्स्ट, मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक कौन थे? तो मराठा तोपखाने के जो मुख्य व्यवस्थापक थे वो हो जाएगा इब्राहिम गर्दी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ है 1803 से 5 तक। किस युद्ध के पश्चात पेशवा का पद समाप्त किया गया? तो तृतीय जब युद्ध हुआ है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं ओरली आपको बता देती हूँ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के मध्य हुआ था, तो यहाँ से जो पेशवा का पद है वो समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मराठे मूलतः किस प्रदेश के निवासी थे? उनका जो प्रदेश है वो हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, महाराष्ट्र। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य से मराठों का संबंध पूर्व में नहीं था? तो पूर्व में जो संबंध नहीं था वो हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट, किस मराठा संत ने अपने देशवासियों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो ये हो जाएंगे संत तुकाराम। ऑप्शन थर्ड, शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ है वो हो जाएगा शिवनेर दुर्ग में, पुणे में स्थित है महाराष्ट्र में, और जो जन्म की डेट हो जाएगी 19 फरवरी 1630। फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, शिवाजी का जन्म स्थान शिवनेर दुर्ग है, पुणे में महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आता है, और जो डेट हो जाएगी वो 1630 19 फरवरी। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का जो नाम है वो हो जाएगा जीजा बाई। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दादाजी कोंडदेव कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव जो थे वो थे एक शिक्षक, शिवाजी के शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे समर्थ गुरु रामदास। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवाजी ने अपने प्रारंभिक सैन्य अभियान किसके विरुद्ध प्रारंभ किया? तो ये सैन्य अभियान जो प्रारंभ किया गया था, एक मिनट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। शिवाजी ने अपने प्रारंभिक सैन्य अभियान किसके विरुद्ध प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ हुआ है, बीजापुर हो जाएगा, तोरण किला 1645। नेक्स्ट, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी रायगढ़ 1674 में, इन्होंने राजधानी बनाई थी 1674 में रायगढ़ को। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध कुछ समय के लिए सैन्य अभियान क्यों बंद कर दिया था? तो सैन्य अभियान बंद करने का कारण यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर आपको उसका उत्तर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर के लिए कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवाजी ने किसे
बाघ नख से मार डाला था। तो बाघ नख से मारना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा ले आते हैं। चलिए, बाघ नख से किसे मारा गया था, तो ये हो जाएगा अफजल खान, ऑप्शन वन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूरत पर किए दो हमले से शिवाजी को क्या लाभ हुआ, सूरत पर जो हमला हुआ है तो उससे क्या लाभ हुआ है, इसका भी उत्तर नहीं मिल सका है तो इसे भी हम स्किप कर रहे हैं। शिवाजी का राजाभिषेक कराने वाले श्री गंग भट्ट कहाँ से बुलाए गए थे, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा काशी बनारस, काशी आ सकता है या बनारस लिखे, तो आप टिक करेंगे काशी या बनारस को। राजा जय सिंह ने पुरंदर के किले का घेरा क्यों किया, तो इसे भी हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की, तो जो उपाधि धारण की है वो की है छत्रपति की। नेक्स्ट, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद करके रखा था, तो जब कैद हुए थे तो इनको रखा गया था आगरा में, ऑप्शन वन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की गौरवशाली उपलब्धि क्या थी, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त, उपयुक्त सभी में आ जाएगा। नेक्स्ट पर आइए, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को जो कहा जाता था वो हो जाएगा अष्ट प्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का सबसे प्रभावी पद था, तो सबसे जो प्रभावी पद माना जाता है वो हो जाएगा पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट प्रधान का कौन सा मंत्री गुप्तचर विभाग देखता था, तो यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर का कंफ्यूजन है। जो अष्ट प्रधान का गुप्तचर विभाग देखने वाला व्यक्ति था वो था वाकिया नवीस, लेकिन उत्तर में दिया नहीं गया है इसलिए यहाँ हम इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विदेश मंत्री को शिवाजी के प्रशासन में क्या कहा जाता था, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर बनेगा हमारा सुमंत, ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजकीय आज्ञा पत्रों को कौन सा अधिकारी देखता था, तो राजकीय आज्ञा पत्रों को देखने वाला हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मजूमदार, लेखा परीक्षक और लेखाकार था इसलिए हम इसे टिक कर सकते हैं। इसके अलावा समझ लेते हैं, चिटनिस कौन था, तो पत्राचार लिपिक चिटनिस कहलाता था। फिर फड़नवीस कौन था, उप लेखा परीक्षक कहलाता था। और पोतनिस रोकड़ा अधिकारी पोतनिस कहलाता था। शिवाजी के प्रशासन में कौन कर, शिवाजी के प्रशासन में कौन सा कर था, तो इसमें जो कर की बात की गई है वो हो जाएगा सर देशमुख। और चौथ भी आता है, अगर चौथ ऑप्शन में है तो हम चौथ को भी टिक करेंगे। मराठा राज्य में भूमि के माप की क्या इकाई थी, तो भूमि के माप की जो इकाई मानी जाती है वो हो जाएगी काठी या छड़ी। शिवाजी के राज्य में ग्रामों से भू राजस्व की वसूली का उत्तरदायित्व तो किसका था, तो ये उत्तरदायित्व तो दिया गया था कुलकर्णी जो कहलाते थे उनको। पाटिल, पाटिल का क्या काम था, ग्राम का प्रमुख पाटिल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, शिवाजी द्वारा गठित शक्तिशाली नौसेना को कहाँ तैनात किया गया था, तो यहाँ पे उत्तर होगा कोंकण, लेकिन आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर हमें ऑप्शन में ही नहीं मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। फिर से एक बार रीड करती हूँ, शिवाजी द्वारा गठित शक्तिशाली नौसेना को कहाँ तैनात किया गया था, तो कोंकण में तैनात किया गया था जो कि ऑप्शन में नहीं है, जिसकी वजह से मुझे इसे भी स्किप करना पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले प्रांत को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो प्रांत आते थे वो कहलाते थे स्वराज्य, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा।
शिवाजी ने सैनिक अभियानों में किसे ना लूटने और ना उत्पीड़ित करने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, मस्जिद, धर्मग्रंथ, महिलाएं। तो इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा उपयुक्त, सभी के साथ हम चलेंगे। शिवाजी औरंगजेब की कैद से कब मुक्त हुए? तो शिवाजी औरंगजेब की जब कैद से मुक्त हुए हैं वो हो जाएगा 5 अगस्त 1666 में, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आप इसके आसपास टिक कर सकते हैं। कब हुआ है? वन मिनट, मैं हल राइट कर देती हूँ। 5 अगस्त 1666। तो 5 अगस्त तो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप उसके पास की नियर की डेट को टिक करें। नेक्स्ट पर आ जाइए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा? तो पहाड़ी चूहा कहने वाला था औरंगजेब, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में प्रांतों में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो मानी जाती है वो मानी जाती है ग्राम, ऑप्शन पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो उनका जो उत्तराधिकारी था वो हो जाएगा शंभाजी। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई और पुत्र शंभाजी 1689 में बैठे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, औरंगजेब से पराजित होकर शंभाजी ने किस दुर्ग में शरण ली? दुर्ग का नाम बताना है, तो वो दुर्ग था रायगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, यसुबाई किसकी पत्नी थी? तो यसुबाई पत्नी थी शंभाजी की, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किस शासक ने मराठा सरदारों को अपनी क्षमता और इच्छा से सैनिकों को रखने का अधिकार दिया? तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा साहूजी, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजा राम ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? तो हमारा उत्तर होगा इसमें सतारा, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। कवि कलश किसका दरबारी था? तो कवि कलश दरबारी था राजा राम जी का। नेक्स्ट, राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम पर शासन किया? तो उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे शिवाजी सेकंड। किस मराठा शासक के काल में पेशवा शक्तिशाली हुआ? तो यहाँ पे हमारा उत्तर बनेगा साहू, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के पश्चात किस मराठा शासक ने छत्रपति की उपाधि मिली? फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, शिवाजी के पश्चात किस मराठा शासक को छत्रपति की उपाधि मिली? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा साहू जी, ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला बारूद प्राप्त किया? तो गोला बारूद प्राप्त करने के लिए ये जुड़े थे फ्रांसीसी, ऑप्शन फोर थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब। शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? तो यहाँ पे मुस्लिम सैनिक एक था, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन थर्ड मदारी मेहतर। मराठा शासन में जमींदारों के लिए कौन सा शब्द प्रचलित था? तो सरंजाम था, जो कि उत्तर में हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमें उत्तर स्किप करना पड़ेगा। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, मराठा शासन में जमींदार के लिए कौन सा शब्द प्रचलित था? तो सरंजाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे।
1879 में मुगल आक्रमण के समय राजा राम कहाँ भाग गया था? तो ये भाग गया था जिंजी में, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी द्वितीय और शंभाजी द्वितीय की शत्रुता किस संधि से समाप्त हुई? तो वन मिनट, किस से समाप्त हुई है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा वर्ना की संधि से, जो कि हुई थी 1931 में। इसमें अपने अपने क्षेत्रों की सीमाओं को मान्यता दी गई थी। इसके अलावा भविष्य में एक दूसरे से युद्ध ना करने का भी वायदा लिया गया था। तीसरा, इस संधि के तहत इससे मराठा साम्राज्य में आपसी संघर्ष जो हो रहा था वो भी समाप्त हुआ। इससे आपको क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, शिवाजी द्वितीय और शंभाजी द्वितीय की शत्रुता किस संधि से समाप्त हुई थी? तो उस संधि का नाम हो जाएगा आपका वर्ना संधि। इसमें तीन मुख्य बातें निकल कर आती हैं, जो कि 1931 में हुई थी। इन्होंने अपने क्षेत्रों की सीमाओं को मान्यता दे दी। दूसरा था भविष्य में एक दूसरे से युद्ध ना करने का वायदा लिया। तीसरा, इससे मराठा साम्राज्य में आपसी संघर्ष बिल्कुल ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ किसके शासनकाल में पेशवा बने? तो ये बने थे बालाजी विश्वनाथ, छत्रपति शाहू जी के समय में बने हैं, 1713 में। दिल्ली में फारूक शेर को अपदस्त करने के लिए किसने सैनिक सहायता दी? तो ये सैनिक सहायता उपलब्ध कराने वाले हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। पेशवा कौन थे? तो हमारा उत्तर बनेगा ये थे भोसले मराठा। यह समुदाय एक महत्वपूर्ण मराठा जाति थी। यह महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा भोसले मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तर महाराष्ट्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बृहत्तर महाराष्ट्र का जो माना जाता है, यह हमारा उत्तर बनेगा बाजीराव प्रथम। वन मिनट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बालाजी प्रथम के पेशवा काल में किस प्रदेश को विजित नहीं किया गया? तो वो प्रदेश बन जाएगा हमारा उड़ीसा। ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवारी सेना को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बार गिर। झलकी की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये संधि हुई है निजाम हैदराबाद और बालाजी बाजीराव, 1752 में। किस पेशवा के समय में अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया? तो ये समाप्ति हुई है बाजीराव द्वितीय के समय में। अंग्रेजों द्वारा पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया और बदले में पेंशन दे दी गई थी। बाजीराव सेकंड का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1796 से 1818 तक। बाजीराव प्रथम का सबसे प्रमुख शत्रु कौन था? वो यहाँ पे उत्तर ना मिलने के कारण इसे स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट पर आ जाइए। औरंगजेब ने किस मराठा शासक को ईमानदार की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ताराबाई। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आइए। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो ये हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। यहाँ पे हमारे प्रश्नों का सिलसिला ख़त्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काम कर रहा होगा। ये वीडियो आपके काम का रहता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। यहाँ पर एक और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर अन्य विषयों के आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, तो चैनल के साथ आप बने रहें।
साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, अदर जो भी विषय के उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, वहाँ से आप उन क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सॉल्व पेपर की बात है, तो जो सॉल्व पेपर है वो केवल आपको इतिहास के ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप NTA UGC NET की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ पेपर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो उन्हें भी आप देख कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।